अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तरफ आना चाहूंगी, चीन और भारत का मामला कैसे देखते हैं? फिर सही मुंह तोड़ जवाब दिया चीन ने भारत को, भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, भारत ने खुद ये मसला पैदा किया क्योंकि भारत उस इलाके में जो कि मतनाजा है और बहुत अरसे से वहां पे कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो वहां पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया। 2022 तक उनकी प्लान है कि 60 सड़कें वहां बनानी है, जो बहुत सारी ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी, मुकम्मल हो गई। इसके अलावा वहां पे स्ट्रिप वगैरह बनाई है उन्होंने, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह वहां पे खड़ी कर रहे हैं, तो उससे एक ये इम्प्रेशन ज्यादा था। एक तो वायलेशन है ही कि आप मुतनाजा इलाके में ये कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं ये कानूनन दुरुस्त नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना को ये भी खदशा था कि जो जिस तरह की सड़कें और एयर स्ट्रिप वगैरह बनाई है उससे इनके कुछ ऐसे डिजाइन हैं, कुछ ऐसी सोच है कि गालिबन कोई वहां पे जारियत करने का इरादा रखते हैं वहां। और फिर जारियत अगर बाद में उस वक्त आप चैलेंज करें तो बेहतर ये है कि आज उससे पहले भारत को चैलेंज किया जाए कि आप क्यों बना रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि चाइना को एकदम से ख्याल आया कि ये यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी है ये बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी है, भारत को रोकना होगा। दूसरी तरफ ये है कि भारत लगातार यकतरफा कदम करता रहा और उन्होंने पीछे आर्टिकल 370 जब कश्मीर का खत्म किया तो यूनियन टेरिटरी बना दी, जिसमें लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। चाइना ने उस वक्त एहतजाज किया था कि एक मुतनाजा इलाका है, आप उसको यूनियन टेरिटरी खुद ही बना रहे हैं, जबकि बातचीत के जरिए अभी इसको आपने हल करना है। लेकिन भारत ने उस वक्त उनकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनकी छोड़े हैं, ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी कश्मीर पे, उनको भी बालाए ताक रखते हुए जो जी में आया करती। इसके साथ साथ जब चाइना ने यहाँ पे भाषा दयामल टैंक बनाने का फैसला किया और एग्रीमेंट साइन किया तो चीन ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो भारत ने उस पर एतराज कर दिए कि आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, जबकि खुद यही काम उन्होंने लद्दाख में किया था। चाइना को ये खदशा पैदा हुआ कि यहां से कराकोरम हाईवे तकरीबन ये इस कॉर्नर से जहां पे ये इंकर्शन हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो एरिया को 8-9 किलोमीटर है यहां से, अगर एरियल उसका डिस्टेंस किया जाए क्रो फ्लाइट तो वो कराकोरम हाईवे तकरीबन 8-9 किलोमीटर है। तो उस लिहाज से एक सीपैक जिसपे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है वो उसको गैर महफूज मेरा नहीं ख्याल के छोड़ना चाहेगा। नतीजा ये कि उन्होंने भारत की अपने ही चाल के ऊपर अपनी चाल चल दी और अब भारत लाजवाब है क्योंकि ताकत के जोर से चाइना को निकाल नहीं सकता। बातचीत के जरिए अगर वो नहीं निकलते तो यूनाइटेड नेशन जाने का रास्ता नहीं, भारत जा नहीं सकता क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें तो खुद उन्होंने पामाल की थी। तो अब ये है कि मोदी एक ऐसी सूरत हाल में है जहां उसके लिए कोई खास रास्ता नहीं है सवाए इसके कि चाइना ने जो कुछ किया उसके साथ रिकनसाइल करें। यही वजह है कि 5 मई का ये वाकया हुआ, 9 मई को दूसरा वाकया होता और आज दिन तक वहां से कोई बयान नहीं आया उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ तो हरदासराई रोज करते हैं, यहाँ नहीं बोल सके। आज उनकी एक बयान आया कि जी हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। भाई पीछे हटने का तो सवाल नहीं है, आपका तो आगे जाने का सवाल है। जहाँ चीन आया हुआ है आपने तो उसको निकालना था, तो बयान दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। अब चाइना ने बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है, वो बातचीत करेंगे, बातचीत में बहुत सारी मामला तय होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस बात पे एग्री करेगा कि वो जो कुछ कर लिया उन्होंने उसको वो डिसमेंटल करें या बाहर निकले, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक चाइना ने वहां पे परमानेंट बंकर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं और काफी बड़ी तादाद में उनकी फौज वहां आ चुकी है। तो इस लिहाज से लगता यही है कि चाइना ने जो कुछ कर दिया वो उसको रिटेन करना चाहता है, भारत को उससे रिकनसाइल करना हो। ठीक है जी, ठीक है जने साहब, आपका मौके आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब, अब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने जने साहब को भी सुना,
अब आपका क्या मौके पे सवाले से, उन्होंने तो बकायदा बताया कि उनको चाइना अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा इस इशू पर, और पहल किस जानिब से की गई थी, क्यों की गई थी, वजह क्या नजर आती है, भारत क्यों कब्जा करना चाह रहा था लद्दाख पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें 1962 में भी इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और जिसमें चाइनीज ने, हालांकि उस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी का उस तरह की मिलिट्री माइट नहीं थी जिस तरह की अब उनकी है टेक्नोलॉजिकली या न्यूमेरिकली और तरीके से, लेकिन उस वक्त भी एक उन्होंने एक फैसला कुछ शिकस्त दिए थे इंडियन आर्मी को, और जो आज तक इंडियंस जो है उसको डेबेकल के तौर पर याद करते हैं, बल्कि दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब इंडियन आर्मी ने कोई वहां पे एक ऐसी रिस्पॉन्ड किया विद फोर्स, क्योंकि चाइनीज आर्मी जो है वो बड़ी तादाद में पीएलए के ट्रुप्स जो है वो इन द गलवान वैली में वो क्रॉस करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंडियन जिस इंडियन एरिया में आगे, लेकिन वो तो इंडियन चाइनीज तो कहते हैं ये तो हमारा एरिया है, और वहां पे जैसा भी जनरल साहब ने भी फरमाया बिल्कुल उन्होंने अपने डिगिन किए, अपने कैंप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लेके आए, हैवी इक्विपमेंट लेके आए और पूरी आर्टिलरी सपोर्ट वगैरह वगैरह। बल्कि आज की तो खबर यह है कि प्रेसिडेंट जीपिंग ने तो बकायदा अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह कि अगर इंडियंस ने रिएक्ट किया मिलिटरली और चाइनीज को इविक्ट करने की कोशिश की तो फिर जारी बात है वहां पे लड़ाई तो होगी, लेकिन इंडियन पीएलए की जो इस वक्त बेहतरी है हर लिहाज से, खास से टेक्नोलॉजिकली और जो उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी के लिए अब चाइनीज मशहूर है, मेरा ख्याल है कि ये 1962 के मुकाबले में ये एक सुपर डिफीट होगी, शायद मदर ऑफ ऑल डिफीट एज फार इंडियन आर्मी इज कंसर्न। तो ये इंडियंस को दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। अब जारी बात एक डोमेस्टिक ओपिनियन भी वहां पे बड़ा बिल्डअप हो रहा है कि जनाब हमारी चाइनीज ऑफिसर और सोल्जर्स ने हमारी इंडियन आर्मी के ऑफिसर जवानों की बड़ी वहां पे उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको ठुड्डे मारे, और जनाब ऐसा लग रहा था हमारे अफसर जवान तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने चाइनीज के सामने थे। तो पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो वहां पे बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है मुडे पे, उसकी मिलिट्री लीडरशिप पे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह ये था। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वहां पे एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान इंडिया को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो कुछ अच्छे से हम सुन रहे हैं कि इंडिया के जारहाना अजाइम है सी पैक के ऊपर। अब सी पैक क्या है? सी पैक चीन का वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सी पैक इज द फ्लैग बेरर। इस पे चाइनीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कश्मीर पे चाइना और पाकिस्तान एक है, सी पैक पे चाइना और पाकिस्तान एक है। हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात, हमारे इकोनॉमिक मफादात बिल्कुल आपस में उनमें टुकल हम आंगी है और हारमनी है। तो मेरा ख्याल है चाइनीज ने एक मैसेज दिया है इंडियंस को कि अगर आप किसी मिस एडवेंचर का सोच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, या जिस तरह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई और ऐसी चीज आजाद कश्मीर की तरफ अगर आपकी नजरें हैं, बट बेसिकली सी पैक को अगर आप सबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और क्योंकि उनका जीरो टॉलरेंस है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त में हम देख रहे हैं कि इंडिया इज एट द रॉक बॉटम पोजीशन मूवी। देखे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में फ्रीडम फाइटर जो है उन्होंने अभी डेली हमले तकरीबन शुरू कर दिए इंडियन आर्मी पे। नेपाल के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट खुलकर सामने आ गया है। नेपाल ने पहली मरतबा 114 बॉर्डर चेक पोस्ट वहां पे कायम किए, मुसल्ला बॉर्डर चेक पोस्ट। कभी इंडिया सोच नहीं सकता था, क्योंकि नेपाल तो उसको कहते थे हमारे क्लाइंट स्टेट है, हमारा सबसे सपोर्टिव स्टेट है। बांग्लादेश के साथ कल उनकी झड़प हुई है बॉर्डर फोर्सेज के साथ, दोनों तरफ के लोग जो है वो मारे गए, और जारी बात है लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज हमने उनका पहली दफा तो नहीं, कई दफा पहले भी हुआ है, हमने उनका रिकॉग्निशन दोनों आज कराया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर अगर इंटरनल इस वक्त बड़ी इकोनॉमिक सूरत खराब है, कोविड की सूरत है, भूख और प्यास का मामला है, लेकिन एक्सटर्नली तमाम नेबर्स के साथ उनके हालात इस वक्त बहुत कशीदा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनकी लीडरशिप मैं देख रहा हूँ अगर इंडिया इंटरनली क्लास में, और ये बात तो भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, क्या नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं जाए अपनी जनता के लिए या अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी कितना बड़ा अजाब साबित होगा, इसका जवाब मैं जनरल अमरेश साहब आपसे लूंगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जनरल अमजद शोएब साहब, आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी, मुझे ब्रेक पे जाना था, कि ये जो कुछ कर रहा है भारत या नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सोच रखने वाली उनकी बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी इंडियन जो आर्मी है, क्या इनको नहीं पता कि ये अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बड़े सो कॉल्ड कहते हैं ना बड़ा देश, अपने बड़े देश के लिए कितना बड़ा अजाब साबित होंगे? इसके बाद के क्या रिजल्ट्स होंगे, आपको क्या लगता है? इसके साथ साथ भारत ने क्या सोच कर ये कदम उठाया था? आखिर चीन से तवक्को क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, क्या चल रहा था इनके दिमाग में, क्या होगा? देखिए, बहुत सालों से जब भी कभी कोई इनका आपस में वहां पे इख्तलाफ हुआ या कोई कंफ्रंटेशन हुई, तो इन्होंने एक तो कोई हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए, और बिलाखिर बातचीत कोई ना कोई करके तो ये अपना मामला सीधा करते रहे। साल साल से ये चीज चली आ रही थी। नतीजा ये कि भारत की कोशिश ये रही कि वो आज भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने मफाद में करे, और मोदी खास तौर पर जो पिछले काफी अरसा से यक तरफा मुख्तलिफ चीजें करता रहा, और आपने कश्मीर के मामले में देखा, ये यूनियन टेरिटरीज जो उन्होंने बनाई हैं, या ये जैसे बालाकोट वाला किस्सा उन्होंने पीछे किया, तो वो बच निकलता रहा है क्योंकि मगरबी कुवतें उसकी हिमायत करती रही है। लिहाजा वो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि मोदी नतीज की तरफ देखता रहा है, उसको यही अंदाजा रहा कि वो मगरबी कुवतों की सपोर्ट से जो जी चाहे कर सकता है। लेकिन ये वो भूल गया कि चाइना अब ताकत के लिहाज से, इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, टेक्नोलॉजी के नुक्ता निगाह से वो बहुत आगे निकल चुका है। लिहाजा आज चाइना का एक जो उसका इमेज है, जो उसका क्लाउट है, वो बहुत डिफरेंट है। अब ये सामसूंग इनको कर तो बैठे, लेकिन जैसे चाइना आगे आया तो फिर आपने देखा कि खामोशी थी, बड़ा जबरदस्ती इनसे आज एक स्टेटमेंट निकलवाई लोगों ने क्या कह के, वरना तो ये चुप थे। और अब इनको समझ लग गई कि ये इस तरह जान नहीं छुड़ाई जा सकती, और चाइना जो कुछ कर रहा है इनको समझ लग गई कि इनकी औकात क्या है इंडिया के। अब दूसरी तरफ ये है कि उसने साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ फर्जाफिसाई शुरू कर दी। जनरल बाजवा ने कश्मीर का विजिट किया, उसके ऊपर झूठ बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो कहा सरेंडर कर दिया कश्मीर। ये वो चीजें हैं जो कि मोदी को आज दिन तक पे करती रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू वोट को उसने रैली की अपने गिर्द, मुसलमानों की परवाह नहीं की, ये नफरतों की सियासत, और वो अपनी सियासत इस पे चमकाता रहा। ये वो चीज है जो उसको आज एक तरफ तो ये कि वो चाइना के सामने बेबस नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ ये कि अपने अंदर मुसलमानों को उन्होंने नाराज किया, और आज मुसलमान वहां पे सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए वही हल जो 1947 में हमने किया था वही हल है कि आज वो भी एक अलग मुल्क का मुतालबा करें। सो 21 करोड़ मुसलमानों को आपने वहां पे अपना दुश्मन बनाया, तो ये नफरतों की सियासत है जो अंदरूनी तौर पे भी उनको नुकसान पहुंचाएगी बहुत बड़ा, और बैरूनी तो आपने देखा कि आज चाइना के सामने बेबस है। और चाइना सी पैक की सिक्योरिटी के लिए मेरा ख्याल है जो कदम उन्होंने उठाया है वो अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, और इंडिया के पास सवाए इसके कि वो इस चीज को तस्लीम करें उनके पास हल नहीं। ठीक है जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि अनदर 1947 के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत का सीना चीर कर जिसने हमने पाकिस्तान लिया था, इसी तरह भारत में जो मुसलमान सफ़र करें, इवन सिख वहाँ पे सफ़र करें, सारी माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, तो क्या वो भी नए ममालिक बनाने का सोचेंगे? लेकिन उसके लिए जनरल साहब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए होगा उन्हें, और मोहम्मद अली जिन्ना बार बार पैदा नहीं होता, आप मेरी बात से अग्री करेंगे? ब्रिगेडियर फारूक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, हर बात का इल्ज़ाम तो भारत सोचे समझे बगैर, जी जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। जी साहब, के कायदे आजम नहीं आएगा, लेकिन एक चीज वाजे है कि जिस तरह का जुल्म वहां पे हुआ है, ये वहां के मुसलमानों ने सोचना है कि उनकी आइंदा नस्लें अगर उनको उन्होंने महफूज करना है तो फिर कोई ना कोई उनको लीडर तो पैदा करना होगा। वो कायदे आजम ना सही, लेकिन आजादी का नाम करना होगा ना, यानी बात वहीं पे खत्म की जनरल साहब, कोई ना कोई लीडर वहां पर आएगा जिन्ना जैसा, फिर ये होगा। बिल्कुल अच्छा, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आखिरी दो मिनट है मुझे, फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। हर बात का इल्जाम सोचे समझे बगैर उनका जाहिल मीडिया पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर देता, चीख चीख के उनके एंकर्स कहते पाकिस्तान की ये साजिश, पाकिस्तान की वो साजिश।
अब बताएं कि इसका इल्जाम भी क्या भारत पाकिस्तान पर लगाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कभी मुसलमानों को लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है कि जी लव जिहाद किया जा रहा है, हमारी लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, कभी कोरोना जिहाद के, यानी कोरोना भी मुसलमान फैला रहे हैं। अब इसका इल्जाम तो पाकिस्तान पर नहीं लग सकता ब्रिगेडियर साहब। नहीं, ये बात तो सही है कि जो भी वहां पे इंटरनल मसाइल उनके होंगे, कोविड के लिए आप बात कर लें, तबलीगी जमात पे वो अपना वहां पे उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया में यही मुसलमान है और कोविड फैलाने में यही लोग शामिल हैं, तो वो तो एक एक उनकी एक हिस्टोरिक नफरत तो है, बायस तो है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको मैंने कहा, दुनिया अब इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि वो एक फासिस्ट, एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तानी, जो भी आप कहें, हिटलर नवाज का जानशीन टाइप आदमी, जो के मुसलमानों को आप एक्सटर्मिनेट करने के चक्कर में है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो मुसलमानों की माइनॉरिटी मिलाना चाह रहे हैं, विद इन मेन इंडिया अपना मेन वहां पे भी मुसलमानों के खिलाफ देखें कैसे लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, किस तरह भी दिल्ली में जो कत्लोगारत हुआ राइट्स में, कैसे मुसलमानों को मारा गया, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब उनका एजेंडा ढका छुपा नहीं रह गया, उनका एजेंडा उनकी कानूनी शक्ल इख्तियार कर ले, उनका एजेंडा उनके पार्लियामेंट में नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है उनके मीडिया की शक्ल में। देखो उनके आरएसएस एजेंडा और वो तमाम जो आइडियोलॉजी वो सामने खुल के आ गई है। मैं दो इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में पहली मरतबा वो दो लफ्ज इस्तेमाल किए जिसको मैं इतने अरसे से ज्यादा तौर पर कैंपेन कर रहा हूँ, वॉर क्राइम। उन्होंने कहा कि इंडिया ने, मोदी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को एनेक्स किया, ये वॉर क्राइम है। तो भाई मैं ये कहता हूँ, अगर हम मानते हैं कि ये वॉर क्राइम है, तो ये जो रवायती सिर्फ उनको उनके डिप्टी एम्बेसडर को बुला लेना और प्रोटेस्ट लॉन्च करना जब भी वो वायलेट करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अब हम जाएं बाहर यूनाइटेड नेशन में जाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, उनको बताएं कि जनाब वॉर क्राइम पे इंडियन आर्मी के जनरलों का ट्रायल होना चाहिए जो उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए हैं। इस प्राइम मिनिस्टर मोदी का एज ए वॉर क्रिमिनल जो है वो ट्रायल होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये रवायती जो हम लेटर लिख सकते हैं सेक्रेटरी यूनाइटेड जनरल यूनाइटेड नेशन को, इससे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अमली कदम भी लेने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, चलिए मेरे प्रोड्यूसर ने भी कह दिया कि आपको भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ना चाहिए।